के रामेश्वर कैफे में हुए विस्फोट की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दी गई है आपको बता दें कि एक मार्च को ब्रुकफील्ड में रामेश्वर कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम करीब 10 लोग घायल हो गए थे रामेश्वरम कैफे में यह धमाका बीते शुक्रवार को दोपहर एक बजे हुआ था पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध कैफे के अंदर बैग रखते हुए नजर आया था पुलिस का मानना है कि विस्फोट को अंजाम देने के लिए टाइमर के साथ एक आईईडी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया था